नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। अभी टैक्स प्लानिंग के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आज चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए कि LIC में पैसे लगाने चाहिए। तो पहले LIC का बात करते हैं। LIC में ग्राहक का क्या आउटलुक रहता है और जो एजेंट रहता है उसका क्या आउटलुक रहता है। ग्राहक का आउटलुक रहता है कि LIC एक सेफ है, उनको पता है कि वो सेफ है, तो एक सेफ्टी वाले तरफ से देखेंगे तो LIC काफ़ी अच्छा लगता है ग्राहक को। लेकिन ग्राहक का एक्सपेक्टेशन रहता है कि एजेंट को अगर कोई कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन उनके पास वापस आ जाए, तो वो डील करता है कि भाई ये कमीशन के पैसे हमको वापस कर दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राहक महोदय, आपका पूरा पैसा लगा नहीं उसमें, क्योंकि आपको भी पता है कि आप 100 रुपये दे रहे हो, उसमें 80 रुपये लग रहे हैं, 20 रुपये वो एजेंट के पास जा रहे हैं, वो घुमा के आपके पास आ रहे हैं। हाँ, LIC सिक्योर है, मैं कभी भी नहीं बोलता कि इसमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मैंने भी कुछ इंश्योरेंस LIC में कराए, कुछ दूसरे में कराए, लेकिन मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ। तो LIC में या किसी में भी आप लगा रहे हो, आप देखो कि फंड एलोकेशन मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फंड प्रॉपरली एलोकेट नहीं हो रहा है तो कंपनी के पास पैसे पूरे नहीं पहुँचेंगे, तो फिर आपके लिए ग्रोथ भी उसी हिसाब से कर पाएगा। LIC एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है। अब दूसरा प्राइवेट में आते हैं। प्राइवेट में ग्राहक कभी भी आपके कमीशन से पैसा नहीं मांगता, पता नहीं क्यों ऐसा टेंडेंसी है। अगर कोई ICICI वाला या फिर कोई कोटक वाला कोई भी अगर हमसे इंश्योरेंस कराने आता है तो हम उनके कमीशन को कभी नहीं देखते। हम लोग या तो इंश्योरेंस कराते हैं या फिर नहीं कराते हैं। और मैं आपको बता दूं, सर्विस कोई भी अच्छा दे सकता है, लेकिन हम लोग लोगों से जुड़ते हैं। बट प्राइवेट वाले में कभी भी इंश्योरेंस का जो कमीशन है उसको कैशबैक करने का हम लोग नहीं सोचते हैं। एलोकेशन वाला फैक्टर हम लोग को हमेशा चेक करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट वाले हो चाहे वो गवर्नमेंट वाले हो। इसीलिए मेरा एजेंट्स लोगों के लिए सलाह है कि आप बेस्ट सर्विसेज के बारे में बात करिए, कैशबैक के बारे में कम बात करिए, और ग्राहक को क्या क्या नॉर्म्स उसके अंदर है, अगर कोई छुपे नॉर्म्स है तो भी आप बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ एजेंट महोदय, कि अगर आप बेस्ट तरीके से सामने वाले को बताते हो और सारे क्लॉज बताते हो, उसकी जानकारी में पूरी चीज रहती है, वो बंदा आपसे लेगा ही लेगा और 10 जन को बताएगा कि फेयरेस्ट एजेंट है। अच्छा आदमी होना, अच्छा व्यक्ति होना हमको व्यक्तित्व की ओर लेके आ जाता है। इसलिए आप अच्छे एजेंट बनिए, सारी चीजें बताइए। ये एजेंट वाले के लिए बात हो गई। ग्राहकों को बताना चाहता हूँ, आंख मूंद के किसी पे विश्वास मत कर लेना, भैया हमारा फलाना है उसके यहाँ से वो आता है, बहुत अच्छा लड़का, ले लिए। अच्छा लड़का होगा लेकिन आपके लिए अच्छा है कि नहीं वो तब पता चलेगा जब आपके इंश्योरेंस के बारे में 100% सही जानकारी आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिए, इन्फॉर्म्ड ग्राहक बनिए। अदरवाइज अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत हो जाएगा। मैं बता दूं, इंश्योरेंस मजाक और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बात नहीं है। यहाँ पर टर्म प्लान की बात करेंगे तो फिर लाइफ सेव होता है वहाँ पे। तो बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में आगे भी बात करेंगे। मेरा सिर्फ ये ओपिनियन है कि ग्राहक को टर्म्स एंड कंडीशन चेक करना चाहिए, फंड एलोकेशन चेक करना चाहिए कि आपने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये में से कितना इन्वेस्ट होगा, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। एजेंट्स को भी ये चाहिए कि वो मैक्सिमम चीज़ों को बताए, आपकी कंपनी आपकी पॉलिसी के जो यूनिकनेस है उसके बारे में ज़रूर बात करिए, आप बेस्ट प्रेजेंटेशन करिए। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि वो पर्सन आपके पास ही आएगा। अगर कुछ कमी है आपके स्कीम में तो वो कमी को भी बताइए, और वो कमी से ज़्यादा कोई अच्छा चीज़ है तो वो बेस्ट वाले अच्छे चीज़ों को और अच्छे से सामने रखिए। मैं बता रहा हूँ, जो ग्राहक बैठा है वो कन्विंस होने के लिए बैठा है। हाँ, बोलता ज़रूर है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसको चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है, हर इंश्योरेंस बेचने वाले को पता है कि इंश्योरेंस हमारे कंट्री में बहुत कम लोगों का है, राइट? तो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड सारे चीज़ों को फॉलो करते जाइए। इस महीने मैं बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला हूँ, आप लोगों को सारा नॉलेज हर दिन देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपंकर समद्दार आपके साथ।